हेलो फ्रेंड्स, स्वाति लेखा लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी। तो ये एलोवेरा है जिसे मैं निकाली हूँ, ताज़ा एलोवेरा है, आप लोग देख सकते हैं ये ताज़ा एलोवेरा है। तो इसको मैं निकाल ली हूँ और इसे अच्छे से मिक्सर जार में ग्राइंड करके और उसके बाद ये देख सकते हैं, तो इसको अच्छे से मिक्सर जार में पीसना है और उसके बाद ये गुड़हल का फूल मिलाना है। तो ये तीनों गुड़हल का फूल मिला देंगे और आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी मिला सकते हैं, हमारी पिछली वीडियो में मुल्तानी मिट्टी के साथ। तो अगर आपके बाल झड़ते हैं, बहुत रूखे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, कोई भी बालों को लेके समस्या है ना, तो वो बहुत ही जल्दी सॉल्व होगी। आप लोग ज़रूर, और इस वीडियो को ऐसे ही मत लीजिएगा कि मैं बिल्कुल सच और सही बता रही हूँ, आप लोग ट्राई करिए और उसके बाद फिर बताइएगा कि रिज़ल्ट कैसा है। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो इस रेमेडी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बालों का झड़ना तो बिल्कुल भी, एक भी बाल आपके नहीं झड़ेंगे अगर आप ये लगाते हो तो। एक ही बार में बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, आपका बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, एलोवेरा बिल्कुल ताज़ा एलोवेरा लेके और उसको मुल्तानी मिट्टी के साथ आप लोग लगाइए, बाल का झड़ना बिल्कुल रोकेगा और सिल्की शाइन बालों को बनाता है ये। तो ये गुड़हल का फूल है जो हम इसमें मिक्स करके और फिर उसके बाद ग्राइंड करके फिर लगाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारी वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, सभी लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए, बहुत ही अच्छी, मतलब जो भी वीडियो हमारी आती है आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं। आप लोग देखिए, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर से लेके हो या फिर हेल्थ के लिए हो, बालों के लिए हो, एकन के, मतलब किसी भी प्रॉब्लम के लिए हो, आंखों की समस्या हो, पेट की समस्या हो, सभी वीडियो बहुत ही लाभदायक होती हैं, देखिएगा, बहुत ही काम की वीडियो रहती हैं। तो ये देखिए, इसको हम अभी, मतलब इसको हम पीस के नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग इसको मिक्सर जार में डाल के अच्छे से पीस ले, उसके बाद बालों में लगाना है। तो अगर आपको ताज़े पत्ते मिलते हैं मेहंदी के तो वो मिला दीजिए, अगर नहीं मिलते हैं तो अमीना मेहंदी हो या कोई भी मेहंदी आपको जो अच्छी समझ में आती हो वो मेहंदी मिला लें और उसके बाद भी इसको लगा सकते हैं बालों को पे। और अगर ऐसे ही लगाना है आपको तो बस गुड़हल का फूल और एलोवेरा जेल से आप लगा लीजिए, जब उसके बाद ये सूखे एक दो घंटे, डेढ़ घंटे, आधे घंटे, जितना भी आपके पास टाइम हो उतना अप्लाई रखिए बालों पे और उसके बाद आप बालों को धुल लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत फ़ायदेमंद है, और इसे आप निकाल के हफ्ते भर फ्रीज में रख सकते हैं, कोई भी, मतलब कुछ भी नहीं होगा। इसको आप बना के और हफ्ते भर इस ये तीन चार बार आपके बालों में काम देगा, बन जाएगा। तो और एलोवेरा आप खा भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर काट के, मतलब ये आपको कोई नहीं बताएगा, अगर थोड़ी देर काट के रख देते हैं वो जब काटेंगे तो वो पीला सा लिक्विड आता है, वो देख सकते हैं ये निकल गया है, उसके बाद मतलब खाने में उपयोग करें, ये नहीं नुकसानदायक है, ये पीला लिक्विड देख सकते हैं, बालों के लिए नहीं है, बालों के लिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ रहा है। तो ये देखिए, ताज़े बिल्कुल एलोवेरा लगे हुए हैं, तो हमने इन्हीं से निकाल के और फिर ये तैयार किया, आप देख सकते हैं ये छिलके पड़े हुए हैं, तो यही एलोवेरा है जिसे हम निकाले हैं और बहुत फ़ायदा करता है ये। तो आप सभी अपने घरों में इस तरह गमले में उगा सकते हैं, तो देख सकते हैं किसी भी डिब्बे में हो या बाल्टी में हो, जिसमें चाहे उगाना उग सकता है, बहुत ही फायदेमंद है। देखिए इस तरह से एलोवेरा, देखिए इस तरह से, एक अगर आप लगा सकते हो तो एक पेड़ उखाड़ के लगा लीजिए और फिर ये लग जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है,